हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ विलेज स्टाइल कुक रेसिपी, फिश कुक रेसिपी। सो फॉलो करना मेरी इस वीडियो को, कुक रेसिपी को। ये मछली हमारे तालाब से, हमारे पोखर से पकड़ के लाई है हम लोग। ये देखो कितना बड़ा मछली है। इस मछली का नाम क्या है आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना, मुझे पता है, फिलहाल मैं नहीं बता रहा हूँ। काटने की कोशिश कर रहा है, नहीं हो रहा है। देखो कितना बड़ा मछली है ये। तू दावा चाना न थाने थाने दावा न ताना न कुफिर वन बेकर सोगल करा बेर दे बेकर सोगल काटने की कोशिश कर रहा है, हम लोगों से नहीं हो रहा है ये इतना बड़ा मछली काटने का आइडिया। ये रहा मछली मछली। यहाँ पर बाखा भी है। फाटी नशा कर भाई, इसको फेंक दीजिए, फेंक नशा करो है। काले काले को काला काला हो तो क्या हुआ, हम गोरे है। मैं कैमरा कर रहा हूँ, मुझे देखा नहीं दे रहा होगा। बाबू सया ये मछली है, हम इसको आज खाता है, तेल से फ्राई करता है। ये इसका तेल है, का का तेल है, ये फुटका है, ये बेलन जैसे फुलता है। मान डाला अब ठास लखे ना ले मान तो सबको मुझे आवश्यकता रखियो ने यार तो फिस ले। आप में चूल्हे पे आ गया हो और चूल्हे में मिस करा को रख दिया हो गर्म होने के लिए मिट्टी के चूल्हे पे। अब ये तेल डाल रही हूँ, कढ़ाई गर्म हो गया ज़्यादा है। और अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, यहाँ पर डाल दिया मैंने लाल मिर्च को। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ग्रामीण स्तर से बिना फ्राई करके इस मछली को पका कर दिखाऊंगा। ऐसा काटी हुई प्याज, आज मैं आई हूँ मम्मी पापा के घर में और मैं ही खाना बना रहा हूँ, तरकारी बना रहा हूँ। मैं आग को कम करके रखा हो, आग को कम करके रखने से ये मछला नहीं जलेगा। मैं दे रही हूँ जीरा, जीरा पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर। Thank you.
पापा खाते हुए खाने को। अब मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा ढक दिया, ये दो तीन मिनट रहने दूंगा राख को कम करके। दो तीन मिनट बाद ढक्कन को हटा कर इसे चेक कर लिया और थोड़ा सा लगा दिया। इसे मैं इसे रखने देती हूँ यही दो तीन मिनट। और आप मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पानी। तरकारी उबलने लगा है, अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मछली। मछली देने के बाद इसे उबालने दूंगा अच्छी तरह से। मछली देने के बाद मैंने इस तरकारी को 10 मिनट यूँ ही पकाऊंगा। इसको हम धनिया पत्ती कहती हो, देखो इस तरह। आप मैं इसे डालने वाली हूँ ये धनिया पत्ता, बहुत खुशबूदार है। जब ऐसे बिना बाजी करके मछली तरकारी पकाते हैं तो ये धनिया पत्ता देने से और भी खुशबू आते हैं। और इस बड़ी मछली को इस तरह पकाने से, बिना बाजी करके पकाने से खाने में मज़ा आता है और नरम होता है। तो बन गया मेरा आज का बिना फ्राई करके बड़े मछली को पकाना, और ये तैयार हो गया है और मैं इसे निकाल लिया और देखो इस तरह हुआ है। इस तरह से बनाकर खाकर देखना। सो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी को अच्छा लगा तो एक लाइक करना और मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। सो गाइस बाय बाय।